हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह वाईफाई कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इसे मोबाइल से अपने कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह आप अगर रेंज से बाहर हो जाते हैं तो आप किस तरह वो लाइव वीडियो इसमें देख सकते हैं कहीं से भी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरह कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको इस कैमरे में आपको सारे एसेसरीज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाता है, इसमें ये सब दिया हुआ है कि आप किस तरह कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको एक कैमरा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एसेसरीज मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आपको होल्डर मिल जाता है। इस होल्डर को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर स्क्रू दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आप लगा सकते हैं स्क्रू। जैसे आप इसे दीवार में लगाना चाहते हैं तो आपको इसमें दीवार में लगा कर इसके अंदर आपको कैमरा बैठाना होगा। इसके साथ आपको स्क्रू भी दिया गया है जिससे आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद आपको कैमरे का यहाँ पर एक होल्डर दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस होल्डर को कैमरे में इस तरह बैठा कर इस तरह मुँह घुमा देते तो आप कैमरे को कहीं पर भी इस तरह इजिली लटका सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे टाइट कर लेना है तो इससे कैमरा हिले डुलेगा नहीं। तो आप अगर कहीं अपने दुकान वकान में लगाना चाहते हैं कैमरे को ऊपर, तो आप इसे इस तरह लगा कर यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद कभी भी आप कैमरा कभी भी निकाल सकते हैं घुमाकर इस तरह। तो ये इसलिए होल्डर दिया गया है आपको। और इसके साथ आपको पावर अडेप्टर दिया है जिसे आपको पावर कनेक्ट करना होगा। इसके पीछे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा इसमें, तो ये इसलिए दिया गया है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप कैमरे को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करूँगा। किस तरह आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, किस तरह ऐप पे रजिस्टर करेंगे और किस तरह आप कनेक्ट करेंगे, तो ये सब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो कैमरा आपको इस तरह दिखेगा। आपको पावर अडेप्ट कर लेना है, इसमें आपको पावर कनेक्ट करना होगा। तो मैं पावर कनेक्ट कर लेता हूँ इसके पीछे। उसके बाद ये कैमरा सिस्टम को चालू करेगा तो इसमें आवाज़ आएगा। आपको वेट करना है जब तक ये सिस्टम ऑन ना कर दे। अभी ये कैमरा ऑन हो रहा है। कोई कोई कैमरा ये इस तरह घूमता नहीं है स्टार्टिंग में, तो इसमें कोई बात नहीं है। अलग अलग सिस्टम होता है, कोई कोई कैमरा घूमता है, कोई कोई कैमरा नहीं घूमता। अब सिस्टम अब एक्सेस पॉइंट चालू हो गया। अब रेडी होने के बाद जब ये रेडी बोल देती है एक्सेस पॉइंट रेडी, तो उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना होता है। आप अपने मोबाइल से आपको कनेक्ट करना होगा। तो मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करना है तो मैं आपको उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि किस तरह कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं अब आपको एप्लीकेशन ऑन डाउनलोड करके कनेक्ट करना सिखाता हूँ। पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना, उसमें आपको टाइप करना है V380। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन टॉप पर आ जाता है, ये है वो एप्लीकेशन। आप लोगो देख सकते हैं किस तरह का लोगो है। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर लें। अभी यहाँ पर आप एग्री कर दें, एग्री पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा एप्लीकेशन का ओपन। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ट्राई विदाउट एन अकाउंट या निचल का, लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप बार बार ऐप के बाहर आ जाएंगे तो इससे आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे अच्छा है कि आप रजिस्टर कर लें इस ऐप पर। आपको कैमरे की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ेगी, तो आप रजिस्टर कर लें इस एप्लीकेशन पे। तो रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है। तो कंट्री पर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इस तरह के सारे ऑप्शन हैं। फिर यहाँ पर आपको एशिया पर अपना क्लिक कर लेना है, आपका एशिया है। इसे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा।
तो आप अपना ईमेल डाल लें, और ईमेल वही डालें जो आपका अभी चालू हो, क्योंकि उस पर एक कोड आएगा। तो जैसे कि मेरा ईमेल है vijaysinh9083@gmail.com। तो अभी वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना होगा, तो आपके मेल पे एक कोड आएगा, तो ईमेल आपका होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी एक टाइमर चालू हो गया, तो मेरे ईमेल पे एक कोड आया होगा। तो मैं चलता हूँ अपने मेल में, तो यहाँ पर मैं मेल में आ जाता हूँ। मेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक मेल आ गया है V380 की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर एक कोड दिया हुआ है आपको ओपन करने पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 606731। तो ये आपको वहाँ पर डालना होगा, तो मैं डाल लेता हूँ 606731। तो मैंने यहाँ पर कोड को डाल दिया। अब आपको भी इसी तरह करना है, आपको मेल डालना है, आप पे भी एक कोड आएगा, आपको वो कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड डाल लेना है कोई भी, आपको 6 डिजिट से लेकर 16 करेक्टर तक का होना चाहिए पासवर्ड, और उस पासवर्ड में आपको एक नंबर होना चाहिए और लेटर भी होना चाहिए। तो जैसे कि मैं डाल लेता हूँ अपना अमित, और आगे मैं लगा लेता हूँ कोई नंबर 1234 ऐसे ही। वापस आपको सेम पासवर्ड डालना है दूसरे वाले में, MEC1234। अब यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे करने के बाद यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली योर अकाउंट इज़ जो आपका मेल है वो। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन में आपको वही सेम अपना ईमेल आईडी डाल लेना है vijaysinh9083@gmail.com। अपना पासवर्ड यहाँ डाल लेना है आपको Amit1234। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करते ही आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन सर्कल दिख रहा है आपको बीच में, यहाँ लिखा है प्लीज़ टैप प्लस साइन टू ऐड अ कैमरा। तो ये प्लस जो लिखा हुआ है सर्कल में, इस पर आप क्लिक करना है इस सर्कल पे, तो इस तरह का आपको ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर लिखा है क्लिक टू वाईफाई स्मार्ट कैमरा, क्लिक ऐड स्मार्ट कैमरा किट। जैसे कि आपके पास एक से ज़्यादा कैमरा है तो आप ये नीचे वाले क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक कैमरा है तो आप एक पे ही कर सकते हैं, मतलब आपको एक ही कैमरा को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर वाईफाई स्मार्ट कैमरा पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाता है, आपका कैमरा चालू होना चाहिए, ऑन है आपका कैमरा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन ऐड नेटवर्क कनेक्ट डिवाइस, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है, 4th वाला ऐड नेटवर्क। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का शो करता है, ये आपका कैमरे के पीछे कोड दिया जाएगा, वो कोड आपको डालना है, या फिर आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन करने से डायरेक्टली कोड आ जाएगा, और टाइप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस आईडी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली स्कैन कर लीजिए, आपका कैमरे के पीछे या आपके कैमरे के बाजू में दिया होगा एक बार कोड, उससे आपको स्कैन कर लेना है। तो जैसे कि मैं स्कैन कर लेता हूँ, अलाउ करने के बाद यहाँ पर ये मेरा बारकोड दिया, कुछ लोग का पीछे दिया होता है। तो इस तरह स्कैन होने के बाद यहाँ पर आपका नंबर आ गया। स्कैन करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो भी नंबर रहेगा, वैसे तो पास नंबर ऊपर लिखा रहता है, आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते थे, लेकिन स्कैन करने से डायरेक्ट आ जाता है। और यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन एडमिन ही रहने देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, और पासवर्ड में भी आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह का राइट टिक मार्क आ जाएगा, राइट वाला साइन। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी है, होम है, ऑफिस है, बेडरूम है, डोर रूम है, रिसेप्शन है, किचन है, स्टडी है, लिविंग रूम है, जो भी आपका है यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं होम सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है, वाईफाई अपना ऑन करना है, हमने वाईफाई कनेक्ट करना भूल गए बीच में। तो आपको ये वाईफाई यहाँ पर आपका नंबर लिख के आ रहा होगा MV488 ओपन वाईफाई, तो इसी तरह का आपको भी एक नंबर लिख के आएगा, MV आगे लगा रहेगा, और आपका जो वाईफाई का नंबर होगा वो होगा। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इस वाईफाई से, अभी ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है कैमरे का। अब यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, तो कंफर्म पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दे देता है सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडमिन रहने देना है पहले वाले को यूज़र नेम। फिर न्यू पासवर्ड में आपको एक पासवर्ड डाल लेना है,
कैमरे का, इसमें भी आपको उसी तरह का पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आप 6 कैरेक्टर से लेकर 29 कैरेक्टर तक का पासवर्ड रख सकते हैं। अपना अमित लिख के नाम, फिर यहाँ पर आपका 123 क्लिक कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैमरा चालू हो गया है। अब मैं कैमरे को क्लिक करके यहाँ पर पूरे लाइव वीडियो देख सकता हूँ इस तरह। अभी आप देख सकते हैं ये कैमरा ऑन हो गया है। अब आप ये नीचे का बटन पे क्लिक करके इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा कैमरा ऑन हो गया है और आप ये कैमरा घूम रहा है, तो इस तरह अभी ये पीछे की तरफ घूम रहा है, तो ये कैमरा ऑन हो गया है। इसके अंदर आप फुल स्क्रीन पे भी करके यूज़ कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर साउंड का दिया है, इसे आप ऑन कर देते हो तो जितना भी साउंड है वो सुनाई देने लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको HD मोड दिया हुआ, यहाँ पर आप HD में कर सकते हैं क्वालिटी। HD और HD दो मोड दिया हुआ है, तो HD में आप कर देते हो तो क्लियरिटी और भी अच्छा दिखेगा। ये फुल HD में हो जाता है आपका क्लियरिटी कैमरे का। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, अगर समझ लीजिए कि आपका ज़्यादा कैमरा है, एक से ज़्यादा कैमरा है, तो वो सब आप एक साथ यहाँ पर वॉच कर सकते हैं और 3 कैमरे को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक साथ में। तो एक साथ में आप 4 कैमरा यूज़ कर सकते हैं देखना चाहते हैं तो। ये आपको फुल स्क्रीन के लिए, और नीचे आप देख सकते हैं कोने में यहाँ पर दिया है स्नैपशॉट। अगर आप जैसे कि कोई स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो यह आप स्नैपशॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली एक स्नैपशॉट, मतलब ये इसका फ़ोटो डायरेक्टली मेरे गैलरी में पहुँच गया है एक, तो आप फ़ोटो ले सकते हैं इससे। और इस पर आप रिकॉर्डिंग का क्लिक करके यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है, और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ ज़्यादा डायरेक्ट आपके गैलरी में जाकर सेव होगा। तो इस तरह आप मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, यहाँ पर लिख के आ गया द वीडियो इज सेव्ड इन योर एल्बम। और यहाँ पर आप स्पीक, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सामने वाले जहाँ कैमरा लगा है, आप मोबाइल से कुछ भी बोलते हैं तो कैमरे में आपको सुनाई देने को मिल जाएगा। तो इस पर आप प्रेस करके बोल सकते हैं स्पीक पे। और आपको ये यहाँ फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है रिप्ले। रिप्ले में अभी आपने जितना भी कैमरे को यूज़ किया है वो आप रिप्ले में देख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप रिप्ले में जो रिकॉर्डिंग वीडियो उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन दे दिया, जैसे कि आपका कैमरा उल्टा आपने लगा दिया तो उसे आप अपने हिसाब से इस तरह घुमा सकते हैं, तो ये मतलब इनवर्स के लिए इस तरह का। यहाँ पर ये बाकी सब ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन में। अब बात आ जाती है कि ये तो आपका कैमरा कनेक्ट हो गया है वाईफाई, कैमरे के वाईफाई से। अब ये 25 मीटर इसका रेंज होता है, अगर आप रेंज से बाहर जाते हैं तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो जैसे कि आप अपने स्टोर में बैठे हैं और आप कैमरे को कनेक्ट करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं वाईफाई के रेंज में, कैमरे के रेंज में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव वीडियो कहीं से देखें, जहाँ कहीं से भी देख सके, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आपके पास वाईफाई होना चाहिए। अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा है तो अच्छी बात है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जिसके पास वाईफाई नहीं वो भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि 5 मिनट के लिए आप किसी का मोबाइल लेकर उसका हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं उसके वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, तो सिर्फ 5 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप अपने डेटा से ऑन करके कहीं से भी लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको ये तो आपका कनेक्ट होने के बाद ये कैमरे के वाईफाई से कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई मेरा यहाँ पर कैमरे का कनेक्ट है MV4887968। तो ये तो कैमरे का वाईफाई कनेक्ट है। अब इसे मैं अपने डेटा से यूज़ करके आपको बताऊँ किस तरह होता है, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली बैक चले जाना है, आपका कैमरा कनेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कैमरा बंद कर दो। आपको कैमरा कनेक्ट करके यहाँ पर आपको बैक चले जाना है। अब यहाँ पर आपको कोने में यहाँ पर टॉप पे आपको 3 डॉट मिल जाते हैं देखने को, तो यहाँ पर प्लस के नीचे इस डायरेक्ट यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, तो इस तरह का आपको सेटिंग मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको लिखा है डिसआर्म क्लाउड सेटिंग डिलीट शेयर डिवाइस, तो यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जनरल नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग अलार्म लैंग्वेज IP प्रोमोटेड साउंड। अब यहाँ पर नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है, सेकंड वन पे इस तरह का आपको शो करेगा आपका वाईफाई का नंबर और ये पासवर्ड जो भी है। फिर उसके यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं नीचे चेंज टू वाईफाई स्टेशन मोड,
इस पर आपको क्लिक करना है। चेंज टू वाईफाई स्टेशन मोड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लिखा है क्लिक हियर टू चेंज योर वाईफाई, तो यहाँ पर उसके बाद क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका स्टेशन मोड चालू हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वाईफाई डालना है। अगर आपका यहाँ वाईफाई है तो आप अपने वाईफाई का डाल सकते हैं, लेकिन वो भी वाईफाई भी घर में ही लगा होता है, जहाँ पर भी आप लगाते हैं उससे भी बाहर होंगे तो आपका कनेक्शन तो टूटेगा ही। तो मतलब ये आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए कनेक्ट करना है, उसके बाद आप डेटा से कहीं से भी, अगर आप रेंज से बाहर भी चले जाते हैं तो डेटा से भी कनेक्ट करके चालू करके डायरेक्टली वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो वाईफाई की जरूरत आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए कनेक्शन के लिए चाहिए। तो जिसके पास वाईफाई है वो अपने वाईफाई से कनेक्ट कर ले, जिसके पास वाईफाई नहीं है तो वो किसी का हॉटस्पॉट ऑन करके उसके वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है, दूसरे के मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप पहले पे क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू चेंज वाईफाई, तो यहाँ पर जितने भी नेटवर्क आपके आसपास होंगे सारे नेटवर्क यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ मेरा ही नेटवर्क शो कर रहा है, आसपास कोई वाईफाई और दूसरा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप मेरा नेटवर्क पर, मैं अपने नेटवर्क को क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरा वाईफाई का है, तो ये मेरा वाईफाई का आ गया, तो मेरा नेटवर्क यहाँ शो कर रहा था तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया अमित, अपना सिलेक्ट कर लिया। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा वाईफाई का आसपास कनेक्शन होगा तो वो बाकी भी दिखाएगा यहाँ पर, तो आपका जो होगा वो अपने पे आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना है, तो आपके वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आपको डालना है, और जिसका आपने किसी का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया तो उसका ही पासवर्ड होगा या ओपन होगा जो भी है। अगर ओपन है तो आप पासवर्ड डाल के 2 मिनट के लिए इसे उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना डाल लेना वाईफाई का, तो आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो डाल लें आप। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपका कैमरा डायरेक्टली बोलेगा वाईफाई कनेक्टेड। तो यहाँ मैं अभी यहाँ पर आवाज़ आ गया, तो अभी मैं यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ, अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है इस तरह। तो मेरा वाईफाई है तो इसलिए जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। किसी का क्या है, अगर आपने डेटा के थ्रू क्या किसी के मोबाइल के हॉटस्पॉट कनेक्ट किए तो उसका नेट अगर जैसा चलता है उस हिसाब से कनेक्ट होगा, अगर स्लो चलेगा थोड़ा स्लो होगा, फास्ट चलेगा उसका नेट तो फास्ट चलेगा। एक बार कनेक्टिंग होने के बाद फिर उसके बाद आप वाईफाई किस बंद कर सकते हैं, फिर अपने डेटा से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ ही तक की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये मेरा कनेक्ट हो गया, वापस ये बोलेगी दूसरी बार वाईफाई कनेक्टेड, तो समझिए कनेक्ट हो गया। यहाँ पर प्ले का बटन दे रहा है, अब मैं इसे प्ले पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा वीडियो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे मेरे वाईफाई से चल रहा है ये वीडियो, अब ये कैमरे का वाईफाई छोड़ दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपने वाईफाई से चला रहा हूँ कैमरा, अभी वाईफाई का स्पीड तो तेज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा से ऑन कर चलाऊँ इसे, कहीं से भी आप अपना डेटा ऑन करके चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं वाईफाई बंद करता हूँ, अपना डेटा ऑन कर लेता हूँ, वाईफाई बंद कर देता हूँ। अब ये कनेक्टिंग होने लगेगा, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरे यहाँ पर भी, तो इसलिए कनेक्टिंग होगा। तो ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, अगर आपका डेटा बहुत, आप ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका नेट बहुत फास्ट चलता है मोबाइल का, तो वहाँ पर आप कैमरा को इसलिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत मतलब जैसा अभी चल रहा तो उसी तरह चलेगा। लेकिन जहाँ पर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर नेट आपका बहुत स्लो है, बहुत कम नेटवर्क मिलता है, तो वहाँ पर आपका कैमरा रुक रुक के चलेगा इस तरह। तो अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है मेरे मोबाइल से, तो इस तरह आप कैमरे को अपने डेटा से यूज़ कर सकते हैं। अपने कैमरे को कहीं से भी अपने डेटा ऑन करके डायरेक्टली वीडियो प्ले करके वीडियो कहीं से भी आप देख सकते हैं लाइव वीडियो। तो बस इसी तरह का आपको सेटिंग करना होता है। अभी मेरे यहाँ नेटवर्क बराबर नहीं है इसलिए डेटा से टाइम ले रहे कनेक्टिंग के लिए। आपके यहाँ अगर नेटवर्क अच्छा है जैसे कि आप, तो वहाँ पर आपका डेटा डायरेक्टली चलने लगेगा। डेटा आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, तो अभी मेरा नेटवर्क शायद उतना अच्छा चल नहीं रहा है तो इसलिए कनेक्टिंग में टाइम ले रहा है। इसी तरह कहते हैं आप डायरेक्टली वीडियो वॉच कर सकते हैं अपने डेटा को ऑन करके इस तरह कहीं से भी। अभी मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरा वीडियो डायरेक्ट चालू हो जाएगा क्योंकि बाहर नेटवर्क अच्छा है। तो बस आपको सेटिंग में यही करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना वाईफाई बंद कर दीजिए, अभी डेटा ऑन करके डायरेक्टली वीडियो कहीं से भी देख सकते हैं। और इसमें आपको फिर उसके बाद कभी भी ज़्यादा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ओपन करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली वीडियो चालू हो जाता है। अगर आपका शॉप है, आप वहीं वहाँ पर रहते हैं दिन भर, तो आप डायरेक्टली कैमरे को कैमरे के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं उस रेंज में अगर हैं आप। और अगर आप बहुत कहीं बाहर जाना है आपको, और वहाँ से अगर आपका कहीं दूर ऑफिस है तो वहाँ से अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह का जाकर सेटिंग करना होगा।
तो उसके बाद आप लाइव वीडियो अपना डेटा ऑन करके कहीं से भी देख सकते हैं मोबाइल का डेटा ऑन करके। तो इस तरह आपको सेटिंग करना होगा, कैसे क्या करना है, किस तरह कनेक्ट करना है, मैंने आपको सारे डिटेल बता चुका हूँ। और इसके अंदर आप मेमोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है और कुछ कैमरों का पीछे भी दिया होता है कभी कभी, तो आपको स्लॉट दिख जाएगा है, ज़्यादातर कैमरों का नीचे होता है। तो यहाँ पर आप 128 GB तक का ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, तो आपके ऊपर है, आप इसमें 8 GB, 16 GB या 32 GB या 64 GB लगा सकते हैं। अगर आप 64 GB का मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो 24 से 25 दिन तक का ये रिकॉर्डिंग रखता है, तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो आप अपने घर में, स्टोर में या कहीं पर भी लगा सकते हैं इसे, स्टोर के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इस कैमरे को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाकर बाय कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।